गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज बच्चों हम डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और ये एक लास्ट टॉपिक अब आ गया है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो इसमें हमें इस टाइप का एक डिफरेंशियल इक्वेशन होगा डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म का एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमें होगा और इसको हमें सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले बच्चों हम इसका निकालते हैं, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा अगर इस फॉर्म में दिया है तो बहुत अच्छा, अगर इस फॉर्म में नहीं दिया है तो सबसे पहले इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट करेंगे, फिर हम उसको कंपेयर करेंगे डी वाई अपॉन डी एफ प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से। तो यहाँ से पी की वैल्यू आएगी और क्यू की वैल्यू आएगी। हम यहाँ पे निकाला करेंगे सबसे पहले आईएफ। आईएफ कहलाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला होता है यू टू डी पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एफ। तो ये बच्चों यहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है इसके लिए फॉर्मूला है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके लिए यहाँ पर हम फॉर्मूला आपको एक बता रहे हैं वाई इंटू आई एफ, जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला है उसका हम वाई के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल टू होगा इंटीग्रल ऑफ क्यू इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज करके और हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन बच्चों हम यहाँ पर इस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे। पर्टिकुलरली मैं जब आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा तो हम आपको एक डिफरेंट मेथड बताएंगे, हो सकता है वो इससे ज़्यादा आपको सिंपल लगे। तो सिंपल मेथड से हम आपको एक अलग मेथड से आपको बताऊंगा और लास्ट में जाके ये वापस वहीं पे मिल जाती हैं और आंसर दोनों से आपका सेम आता है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको ऐसी मेथड बताएं जिससे आपको करने में आसानी लगे, सिंपल मेथड से और एक्यूरेट मेथड से आप एग्जैक्ट आंसर निकाल पाएं। तो ज़रूरी नहीं होता है कभी कभी कि जो बुक में ही दिया है वही हम कराएं, और हम डिफरेंट डिफरेंट बुक से स्टडी करके और आपको जो सिंपलेस्ट मेथड आपको होता है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो हम कराने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भी हम यही करने वाले, हम ये फॉर्मूला हमने लगवा इसलिए दिया है कि बाई चांस आपको कभी ओटी क्वेश्चंस में आ जाए या आप पढ़ रहे हैं तो आप बोलें कि सर हमारे सामने तो ये बता ही नहीं था ये क्वेश्चन का फॉर्मूला ऐसे होता है। तो नो प्रॉब्लम, फॉर्मूला आप जरूर यहाँ पे देखें, बट हम इस फॉर्मूले का क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त यूज करने वाले नहीं हैं। हम प्रोसीजर आपको बताएंगे कि किस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके के हम सॉल्व करेंगे। तो एक सिंपल सा पहले क्वेश्चन लेके और आपको हम ये टॉपिक क्लियर करते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर हमने एक बड़ा सिंपल सा लेकिन बहुत अच्छा सा क्वेश्चन लिया है जो एमपी 2008 में पूछा जा चुका है। चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो डेफिनेटली ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें हमें इसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू यू टू दी पावर एम एक्स, ये है। इसको अगर हम कंपेयर करें कंपेयर विथ डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो इस केस में यहाँ पर p हमारे पास आ रहा है a और q है e टू दी पावर mx। ओके, और इतना करने के बाद जब हम कंपेयर कर लेंगे तो हमने बोला था सबसे पहले हम क्या निकालने वाले हैं, if निकालने वाले हैं। if का मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो यहाँ पर if के लिए हमने फॉर्मूला आपको क्या दिया था, if इक्वल टू e टू दी पावर इंटीग्रल ऑफ pdx। e टू दी पावर इंटीग्रल ऑफ p हमारे पास a है, a dx, तो a तो कांस्टेंट है तो आगे आ जाएगा और dx का इंटीग्रल x हो जाएगा, ये टोटल आएगा e टू दी पावर a x। ओके, तो ये आपका यहाँ पर if आ गया।
और अब हम जो कह रहे थे कि बाकी बुक वाले या और टीचर्स क्या डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके और आपको ये बता देते हैं, लेकिन हमने बोला था कि हम आपको एक प्रोसीजर बताने वाले हैं अलग से। जो स्टैंडर्ड इक्वेशन आपकी लिखी है उसमें हम इस ई पावर या जो IF निकला है उसका मल्टीप्लाई कर दें। तो फ्रॉम इक्वेशन वन इसमें हम ई टू दी पावर एक्स का पूरे में मल्टीप्लाई कर दें, ई टू दी पावर AX इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए इंटू ई टू दी पावर AX इंटू वाई इक्वल टू ई टू दी पावर AX इंटू ई टू दी पावर MX। बात लगभग वही पड़ती है लेकिन थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग है। इसको करने के बाद बच्चों मैं एक टेक्निक यहाँ पे बता रहा हूँ, जरा सुनना ध्यान से। इस लाइन के बाद हम डायरेक्ट लिखा करेंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई। ये लगभग हर क्वेश्चन में हम लिख देंगे डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई, और उसके साथ में जो हमने IF का मल्टीप्लाई किया है वो लिख दो। तो IF हमने यहाँ पर क्या लिया है ई टू दी पावर AX। जी जैसे ही आप लिखेंगे तो इसका मतलब ये इस पूरे की जगह ये हमने लिख दिया। तो कैसे, आप चाहो तो उसको वेरीफाई कर सकते हो। फर्स्ट फंक्शन ई टू द पावर AX डिफरेंशियल ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन वाई वैसे के वैसे रख दें और डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट ई टू द पावर AX का ई टू द पावर AX इंटू ए। दैट इज इसका मतलब ये कि हमने इसकी जगह ये एग्जैक्ट लिख लिया है। और ये टेक्निक हमने बता दी कैसे लिखेंगे इस लाइन के बाद हर क्वेश्चन में डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई तो लिख ही लेंगे, और उसके साथ में हम जो IF निकाला है उसका वहां पे मल्टीप्लाई करके रख देंगे। और यहां अगर हम देखें तो ई टू द पावर AX प्लस MX हो जाएगा। और अब हम क्या करें, इतना करने के बाद हम यहां कहेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम इसका इंटीग्रल कर देंगे। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड इंटीग्रल करेंगे तो इंटीग्रल से डिफरेंशियल हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा वाई इंटू ई टू दी पावर AX इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई टू दी पावर यहाँ पर x कॉमन आ जाएगा तो ए प्लस एम इंटू एक्स डी एक्स। ये डी एक्स लगाना जरूरी है, तो ये हमें शो करना है कि किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रल हो रहा है। x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल यहाँ पे हम कर रहे हैं, बस इसका इंटीग्रेट करें तो आंसर आएगा y into e to the power x equal to e to the power x का इंटीग्रल e to the power x, तो e to the power a plus m into x। लेकिन यहाँ पर x की जगह क्या लिखा हुआ है a plus m into x, तो इसका करेंगे डिफरेंशियल और जो डिफरेंशियल आएगा उससे डिवाइड कर देंगे। तो a plus mx का डिफरेंशियल आएगा a plus m, इससे डिवाइड कर दें और प्लस हम यहाँ पर कांस्टेंट c जरूर लगा देंगे। तो या तो आप इसको ऐसे ही बना रहे हैं, आपका आंसर आ चुका है, अदरवाइज ए पावर ए प्लस एम कॉन्स्टेंट है इसका मल्टीप्लाई करें कि आपको हो जाएगा ए पावर एम वाई ई टू दी पावर AX इक्वल टू ई टू दी पावर ए प्लस एम इंटू एक्स। अब बोलो कि सी में भी ए प्लस एम का मल्टीप्लाई होगा, तो कॉन्स्टेंट में कॉन्स्टेंट का मल्टीप्लाई आप और कर भी दोगे तो हमें कॉन्स्टेंट ही मिलेगा, तो उससे कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, इसलिए हम वापस सी फोर सी ही लिख ले रहे हैं। और चाहो तो कांस्टेंट का नाम बदलना है तो यहाँ पर सी वन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ने सी में ए प्लस एम का मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट, इसलिए वो सी का सी बना रहा। हाँ आप ये जरूर कर सकते हो वहाँ अगर सी लिखा था आप सी वन कर दो, नो प्रॉब्लम, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो बच्चों ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ओके और चाहो तो आप सी इंटू ए प्लस एम लिख भी दो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चों अभी हमने एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रखा है MP बोर्ड के हिसाब से, कि आप ये देख रहे हैं ये क्वेश्चन MP बोर्ड में 3 बार पूछा जा चुका है 2010, 2011 और 2014। तो उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, और हर बोर्ड के लिए क्वेश्चन जो अच्छे होते हैं वो सभी के लिए अच्छे होते हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो देखिए इसको हम किस तरीके से करने वाले हैं, ये 1 + x² dy / dx +
2xy-4x2=0। तो हमने आपको बोला सबसे पहले हमारी कोशिश ये होगी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, और स्टैंडर्ड फॉर्म ने क्या बताया कि dy/dx + py = q, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, क्योंकि इससे कंपेयर करके तभी हमें p और q की वैल्यू मिलेंगी। तो देखिए जरा इसको हम बोला पहले तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, तो 1 x²dy/dx + 2xy = 4x2। ओके, और अब हम क्योंकि हमें dy/dx अकेले रखना होता है, तो 1 x² से डिवाइड करते हैं, तो dy/dx + 2x/1 x²y = 4x²/1 x²। तो ये बच्चों हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया है, और इसको कंपेयर कर लें, कंपेयर विथ dy/dx + py = q। तो यहाँ पर p की वैल्यू आप देखें तो क्या आ रही है, 2x/1 x² और q आ जाएगा 4x² / 1 x², और जो मेथड हम अप्लाई करते हैं उसमें q का कोई रोल रखने के लिए सब्स्टिट्यूशन का नहीं होता है, उसमें p से हम if निकाल लेंगे। तो अभी सबसे पहला काम हम ये करें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें u^ ∫pdx। तो p की वैल्यू है 2x/1 x²dx। अगर हमें इसका इंटीग्रल करना है तो 1 x² को t सपोज करना पड़ेगा, लेट कर लें t = 1 x², तो dt/dx = ये तो 0 हो जाएगा, तो आएगा 2x, तो dt = 2x dx। देखिए यहाँ पे रख देते हैं, तो if हमारा क्या आएगा, इस पर ध्यान लगाएं, तो e^(2x dx) की जगह dt लिख दें और नीचे आ जाएगा t, e^(log t) 1/t का इंटीग्रल हो जाएगा, log u और log कैंसिल होके आएगा t, और t हमने क्या सपोज कर रखा है 1 x², ये हमारा if आ गया। और अब जो हम प्रोसीजर बताया है मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उसमें हमने बोला कि जो if आएगा वो इक्वेशन वन जो स्टैंडर्ड फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए फ्रॉम इक्वेशन वन इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपका अगेन वही आ जाएगा जो आपका क्वेश्चन दिया था शुरू में, लेकिन हमें कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा, 1 x² dy/dx + यहाँ 1 x² कैंसिल हो जाएगा तो 2xy, और यहाँ 1 x² कैंसिल हो जाएगा तो 4x², ये आया। और इसके बाद का जो हमने सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया है वो क्या बताया मैंने, इसके बाद आप d/dx(y) इतना तो लिख ही देंगे हर क्वेश्चन में, और इसको लिखने के बाद इसके साथ में क्या कर देंगे, if लिख देंगे, और if हमारे पास क्या है 1 x², ठीक है, इतना लिख देंगे और ये आपका ऐसे ही बना रहेगा। आप चाहें तो अब इसको डिफरेंशियल करेंगे तो हमें वापस यही मिलेगा 100%, तो इसकी जगह हमने ये लिख दिया है। और इसके बाद अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर देते हैं, तो उसके बाद हमारा आंसर आ जाता है। बड़ा सिंपल सा मेथड हम आपको बता रहे हैं, इसमें आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, आप उसको डायरेक्ट करते जाए आपका आंसर निकलता जाएगा। तो यहाँ कह रहे हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यही लिख देते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जैसे ही इंटीग्रल करेंगे तो इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल आर जस्ट अपोजिट प्रोसेस, तो वो आपके यहाँ पर d/dx खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा क्या, y(1 x²) = (4x²dx),
तो y इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर तो बाहर कर लें और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस सी। तो थ्री का हम अगर इसमें थ्रो मल्टीप्लाई करते हैं थ्री इंटू तो ये हो जाएगा आपका थ्री वाई वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स क्यूब प्लस थ्री सी लिख दें तो भी ठीक है, और थ्री सी की जगह एक कॉन्स्टेंट सी लिख दें तो भी सही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर हम किसी कॉन्स्टेंट में कॉन्स्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई अंतर आने वाला नहीं है। अगर आप ऐसे ही लिखा रहने दें तो भी अच्छा है, और थ्री किसी की जगह वापस सी लिख देंगे तो भी आपका आंसर राइट माना जाएगा। कॉन्स्टेंट के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, कहीं आपको ये थ्री सी भी लिखा दिखाई दे सकता है आंसर में, किसी बुक में वापस सी भी लिख सकते हैं, और किसी बुक में एक नया कॉन्स्टेंट बना दें सी वन कह दें के कह दें या कुछ भी इस तरीके से, तो उससे कोई आपको अंतर पड़ना नहीं होता है, आंसर इज राइट। तो बच्चों हमने यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है जो कि आप देख रहे हैं दो तरीके, क्वेश्चन एक ही है बस इसको पूछे जाने का तरीका अलग अलग है, तो ये दो तरीके से पूछा गया है क्वेश्चन। एमपी बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है cos क्यूब एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई cos x इक्वल टू साइन x, और अगर इस पूरी इक्वेशन में हम एक cos x का डिवाइड कर दें तो ये आपका सीबीएसई और एनसीईआरटी क्वेश्चन बन रहा है। cos क्यूब एक्स में cos x का डिवाइड करेंगे तो cos स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई cos x से cos x कैंसिल, और साइन x अपॉन cos x करेंगे तो tan x। तो क्वेश्चन एक ही है बस उसका स्वरूप बदला हुआ है, उसकी फॉर्म बदली हुई है, तो कैसे भी आए आप क्वेश्चन कर लें। तो मान लीजिए हम पहला वाला ही केस यहाँ पे ले लेते हैं, cos क्यूब एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई cos x इक्वल टू साइन x, नो प्रॉब्लम, ये भी लेके चलेंगे तो भी वही आएगा। हमें सबसे पहला काम क्या करना होता है कि हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। चलिए तो हम इसके लिए डी वाई अपॉन डी एक्स के साथ में कुछ नहीं रखते हैं, और अगर जो दिया होता है उससे डिवाइड कर रहे हैं, तो डी वाई कॉस क्यूब एक्स से यहाँ पर डिवाइड करने जा रहे हैं हम, तो वाई कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कॉस क्यूब एक्स, तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, और वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स करेंगे तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स तो टेन एक्स हो जाएगा, और वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स तो sec स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स टेन एक्स। ओके तो ये आपका बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, और अब जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमें मिल गया तो क्या करेंगे, इसको डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से कंपेयर कर देंगे। तो देखिए जरा सबको हम इक्वेशन वन कर दें, तो यहाँ लिखें कंपेयर विथ डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो देयरफॉर यहाँ पर p कितना है sec स्क्वायर x है, और q क्या है sec स्क्वायर x इंटू tan x, ठीक है। और अब हमारा सबसे पहला काम है if निकालना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालें। तो if जब हम यहाँ निकालेंगे तो if के लिए हमने आपको क्या फॉर्मूला दिया है कि if होता है इंटीग्रल ऑफ u टू दी पावर पी डी एफ। तो जब हम इसका इंटीग्रल निकालें यहाँ पे देखिए यू टू दी पावर इंटीग्रल ऑफ पी डी एफ तो sec स्क्वायर एक्स डी एफ, तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है tan x यू टू दी पावर tan x। जैसे ही हमारा यहाँ पे आई एफ आ जाएगा तो उस आई एफ का जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा क्वेश्चन लिखा है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम यहाँ कहें फ्रॉम इक्वेशन वन e टू दी पावर टेन एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, e टू दी पावर टेन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स
प्लस 5 इंटू ई टू दी पावर 10x इंटू sec स्क्वायर x इक्वल टू ई टू दी पावर 10x इंटू sec स्क्वायर x 10x। और अब इसको लिखने की हमने आपको टेक्निक बताई है कि d अपॉन dx ऑफ y और साथ में if और if है ई टू दी पावर 10x इक्वल टू ई टू दी पावर 10x sec स्क्वायर x और 10x। और इतना लिखने के बाद जैसे हम इतना लिख लेते हैं फिर क्या करते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम इंटीग्रल कर दें। यहां लिखते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जैसे ही हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा कि d अपॉन dx यहां पर कैंसिल हो जाएगा। चलिए तो इंटीग्रल ऑफ d अपॉन dx कैंसिल होकर क्या बचेगा y इंटू ई टू दी पावर 10x इक्वल टू, यहां हम इंटीग्रल का साइन लगा रहे हैं ई टू दी पावर 10x इंटू sec स्क्वायर x 10x और dx। और अब हम यहाँ 10x को t सपोज कर लें, इसके लिए इंटीग्रेट करने के लिए इधर तो कुछ करना ही नहीं है, लेट t इक्वल टू 10x dt अपॉन dx sec स्क्वायर x देन dt इक्वल टू sec स्क्वायर x dx। एक्स डीएस की जगह हम वापस डी टी रखने वाले हैं तो हो जाएगा यू टू दी पावर टी, एक्स स्क्वायर डीएस की जगह डी टी रख दें तो बचेगा क्या टी इंटू डी टी। और यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला लगेगा और इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे। चलिए तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे बाद में आता है आई लेट के फॉर्मूले से, तो हम यहाँ टी को फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन सपोज करें तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड, तो टी इंटू ई टू दी पावर टी माइनस ई पावर टी का इंटीग्रल अगेन ई पावर टी और एक कॉन्स्टेंट हम यहाँ पे सी अप्लाई कर देंगे। e पावर t हम अगर कॉमन लेते हैं तो t माइनस वन प्लस टी और t तो कहीं ओरिजिनल क्वेश्चन में है नहीं, हमने इसको सपोज कर रखा है बीच में तो वापस वैल्यू रख दें ई टू दी पावर 10x 10x माइनस वन प्लस टी और क्या चल रहा है साथ में y इंटू ई टू दी पावर 10x। और अब हम e पावर 10x का अगर थ्रू आउट डिवाइड कर दें तो y इक्वल टू आ जाएगा 10x माइनस वन प्लस सी अपॉन, तो ऊपर जाएगी पावर तो सी इंटू यू टू दी पावर माइनस 10x। और ये इस तरीके से हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सिंपल तरीके से कर लिया है और हमें उम्मीद है कि सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है जो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू कॉस एक्स, जितना सिंपल ये क्वेश्चन दिख रहा है जितना सिंपल है नहीं, क्योंकि जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन वाला जो पोर्शन होगा वो एक स्पेशल पोर्शन आएगा यहाँ पे, उसको देखेंगे किस तरीके से करना है। चलिए अभी तो हम इसको क्या करें कंपेयर करें, ये ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा लिखा हुआ है डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू cos x डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हम इसको कंपेयर करें कंपेयर विथ डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो यहाँ पर p की वैल्यू आ गई माइनस वन और q हमारे पास आ गया cos x। और सबसे पहला काम हमारा होता है if निकालना, तो if e टू दी पावर इंटीग्रल ऑफ p dx इंटीग्रल ऑफ माइनस वन डी एक्स दैट इज ई टू दी पावर माइनस एक्स, जे आई एफ निकल आएगा। और हमने जो आपको यहाँ पर
टेक्निक बताई वो ये कि हम जो IF निकला है उसका जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हमने लिख रखी है उसमें हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दें। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन वन, यहाँ e टू द पावर माइनस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इंटू e टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स कॉस एक्स। और इसको लिखने का हमने तरीका क्या बताया कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई ये तो हम लिख ही देंगे, साथ में आई एफ लिख लो, और आई एफ हमने क्या निकाला e टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स कॉस एक्स। नो प्रॉब्लम, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और हम इसके बाद क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो हम यहाँ इंटीग्रल कर लें दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो डी अपॉन डी एक्स और इंटीग्रल कैंसिल होके आया वाई इक्वल टू टू पावर माइनस एक्स और इंटीग्रल यू टू पावर माइनस एक्स कॉस एक्स डीएक्स। यस, यहाँ पर बच्चों आपका आइलेट फार्मूला भी फेल है, और ये क्योंकि ऐसे फंक्शन यहाँ पर हैं जिनका डिफरेंशियल या इंटीग्रल बार 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 करोगे तो कभी ख़त्म होने वाले नहीं। जैसे ये हम कहें कि एक तरीके से अमर हैं फंक्शन, इनका कोई तोड़ नहीं है। क्यों? अगर e टू दी पावर x का डिफरेंशियल और इंटीग्रल तो हमेशा वही का वही रहता है, इसमें तो कहीं e पावर x, e पावर x, e पावर x, कितनी बार डिफरेंशियल करें, कितनी बार डिफरेंशियल इंटीग्रल करें, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा माइनस वन का अंतर पड़ता जाएगा बार बार। और cos x का अगर हम कहें इंटीग्रल और डिफरेंशियल, अगर डिफरेंशियल कहें तो माइनस साइन x और इंटीग्रल कहें तो cos x, और बार बार वही उलट पलट के आता रहेगा, तो ये ख़त्म होने वाले फंक्शन नहीं है। तो इसलिए ऐसे दो फार्मूले हमने जब आपको इंटीग्रल पोर्शन आपको करा रहे थे तब आपको बताए थे, उनमें से एक फार्मूला यहाँ पर आपका लगने वाला है और वो है इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स इक्वल टू e टू द पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हम बोले ए कॉस बी एक्स, ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, ये फॉर्मूला बनेगा हमारा जिसको अप्लाई करके और हम इसको कर पाएंगे। प्लस की तो लगता ही है तो प्लस की हम लगाएंगे ही लगाएंगे, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये फार्मूला जब हम यहाँ पर अप्लाई कर लेंगे तब ये इसका इंटीग्रेशन हो पाएगा, तो y इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स इक्वल टू e टू द पावर ए एक्स, तो e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह माइनस वन है तो माइनस वन का स्क्वायर, और b की जगह cos bx, b की जगह वन है तो ये वन स्क्वायर, अंडर ब्रैकेट a cos bx, a माइनस वन इंटू cos bx मतलब cos x प्लस b वन इंटू साइन bx, तो आपका हो जाएगा साइन x, b वन है ये आएगा साइन x, और प्लस c कॉन्स्टेंट जरूर यहाँ पे हम लगा देंगे तो आ जाएगा y इंटू e टू द पावर माइनस x, e टू द पावर माइनस x अपॉन माइनस वन का स्क्वायर वन, और वन का स्क्वायर वन, वन प्लस वन आपका टू हो जाएगा, और ये लिख दें हम साइन x माइनस cos x प्लस c। और अब हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, e टू द पावर माइनस x का अगर हम दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो बस हमारा काम हो गया, आंसर आ जाएगा। तो y इक्वल टू वन अपॉन टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी अपॉन यू टू दावर माइनस एक्स करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो c इंटू यू टू दावर एक्स हो जाएगा, माइनस की पावर ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। तो इस तरीके से बच्चों ये आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा अगर इस तरीके के फंक्शन कहीं आपके आ जाए जिनका इंटीग्रल और या डिफरेंशियल वैनिश नहीं होता है
चलता रहता है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि ऐसे हमने आपको दो फॉर्मूले बताए हैं, तो उनमें से एक फॉर्मूला ये है और एक दूसरा फॉर्मूला आप और देखेंगे। तो यहाँ पर जो अप्लाई कर होना है वो मैंने यहाँ पे लिख के और अप्लाई कर, ज़्यादातर बच्चे ये क्वेश्चन आपको बड़ा सिंपल सा दिखाई देगा लेकिन जब आप करने बैठेंगे तो यहाँ आके अटक जाएंगे, बोले आप क्या करें कैसे होगा। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो अभी बच्चों इसी पोर्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि अभी और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर हैं और आप भी इस तरीके की और सारे बहुत सारे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिएगा। ओके, थैंक यू।